हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आप देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन में जो भी धान की नर्सरी थी उसे उखाड़ दी गई है। अब ठंडी वाली सब्जियां जैसे कि फूल गोभी और पत्ता गोभी और बहुत सारी सब्जियां जो हैं लगाई जाएंगी। और हमारे यहाँ यही बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आसमान में कितने अच्छे बादल आए हुए हैं और हवाएं बह रही हैं, और ध्यान से देखेंगे छोटी छोटी जो है बारिश की बूंदें भी हो रही हैं। हमारे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं दोस्तों, क्योंकि खेतों में धान लग गए हैं और बारिश हो नहीं रही है, तो जो है सिंचाई के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं आज तो मौसम अच्छा बना हुआ है और काफ़ी सुंदर मौसम है, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं पर सूर्य जी आज नहीं दिखने हुए हैं, और काफ़ी ठंडा मौसम है। बारिश की बूंदें भी छोटी छोटी गिर रही हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने में मिलेंगी बहुत छोटी बारिश की जो बूंदें होती हैं वही पड़ रही हैं, और मौसम अच्छा है दोस्तों। अब यही बारिश हो जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ सब्जियाँ बोने का जो है तैयारी शुरू कर देंगे दोस्तों। जैसे कि हमें यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये देखो दोस्तों, हमारे अमरूद भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं, और बारिश ना होने की वजह से ये पक नहीं रहे हैं। जैसे ही बारिश होगी अमरूद जो है पकना स्टार्ट हो जाएंगे। आज हो सकता है कि बारिश हो जाए। आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे अमरूद आए हैं, पर बारिश ना होने की वजह से ये पक नहीं रहे हैं और काफ़ी नीचे होते हैं ये, और बड़े भी नहीं हो रहे हैं दोस्तों, काफ़ी छोटे हो गए हैं, और बारिश होगी तो ये बड़े भी होंगे और पकेंगे भी। आप देख रहे हैं ये मेरे अमरूद का पेड़, और ये है मेरे यहाँ का मौसम। हे इंद्रदेव, अब तो बारिश करवा दीजिए, लगता है बारिश हो जाएगी दोस्तों। मैं भाग रही हूँ क्योंकि बूंदियाँ पड़ने लगी है।